किधर से आया? कल तक तो इधर नहीं था। बाबा नवीन मेल आ लिया है, छाना है ना, इसमें देखो छोटी छोटी कलियां भी है। इसमें इतना खुश होने का क्या बात है, मेल ही तो है। इसको अभी उखाड़ के फेंकता हूँ, नहीं तो पूरे घर में फैल जाएगी। अरे बाबा सोरा ना बाबा बाबा हाथ धोने को पानी दे। बाबा उठा बाबा बाबा
मयंक ये देखो। जहां ये डेड बॉडी थी वहां ये पत्ते बरामद हुए। काले पत्ते मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे। यहां हुआ क्या है और ये पत्ते यहां पे आए कैसे? मैं क्या बोल रहा हूँ, गांव के सरपंच थे, क्या पता ये पत्ते खुद ब खुद चल के श्रद्धांजलि देने आए। हाँ काले भी है ना, श्रद्धांजलि के लिए आए होंगे। यस सुनिए, आपने क्या ये सब होते हुए देखा? कल रात को घर के बाहर एक बेल उगाई थी, ऐसी बेल मैंने कभी नहीं देखी। उस बेल पर छोटी छोटी कलियां भी थी जो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उन्होंने उसे तोड़ दिया। मुझे लगता है शायद वो बेल। तो आप कहना चाहती हैं कि आपके बाबा को बेल ने मार दिया? पता नहीं, पर मुझे ये बेल बार बार याद आ रही है। आपके बाबा की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? साहब, इसके बाबा गांव के सरपंच थे, उनकी भला किसी से क्या दुश्मनी, सब उनका सम्मान करते थे। और चंपा बिटिया को तो पूरे गांव वाले अपनी बेटी मानते हैं, और चंपा बिटिया तो पूरे गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है। आप कुछ कहना चाहती हैं? आप डरिए मत, कुछ कहना चाहती हैं? कल रात को मैंने खिड़की के बाहर किसी को देखा था। किसे? पता नहीं, कोई साया सा था। शायद कोई औरत थी। कौन आए थे? कौन है? इसको मतलब कमली काकी, कमली काकी ने मारा मेरे बाबा। कमली काकी, डरती तू सोती, तुम ही ने मारा ना मेरे बाबा को। हाँ बहनीज मारा तेरे बाबा को, क्या करेगी बोल? क्यों
क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका? क्या बिगाड़ा था? तेरे बाप ने मेरा क्या बिगाड़ा था? अरे तू कुछ भी नहीं जानती क्या? हाँ, बड़ी भोली बनती है तू। हाँ, चल भाग। नहीं तो मैं तेरे को भी मार डालेगी अभी। ये किसे मारने की धमकी दे रही है? तुझे। एक काकी, तेरे को मैंने कितनी बार मना किया इधर नहीं आने का, फिर भी तू इधर आती है। तू क्यों आई इधर? एक साहब के बेटे की शादी हुई है, वो अभी इसी रास्ते से आने वाले हैं, अपने बेटे को लेकर और दुल्हन को लेकर। इधर इधर कमरा सजाया है स्वागत के लिए। तेरे को इधर देखेंगे ना तो तेरे साथ साथ मेरी भी खैर नहीं। एक काम कर, तू यहां से चल। तेरे मालिक के बेटे की, ऋषभ शेठ के बेटे की शादी हो गई। अरे जाना, और आप भी जाइए। लगता है टाइम आ गया है अपनी इस नई नवेली दुल्हन के सर से ये घूंघट हटाने का। नेहा, नेहा, सॉरी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी, छोटू सा मजाक था। अच्छा, मेरे पास आओ। अरे आओ ना प्लीज। ओके। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगी? मुझे लगता है ना थोड़ा और डरावना होना चाहिए था। अच्छा, असली डर तो तब लगेगा ना जब मैं डराऊंगा। मगन मैं नाचूंगी, क्या हुआ? अरे मैडम कहाँ जा रही? क्या हुआ? मेरा कोई, ये तुम्हारे चेहरे की हंसी कहाँ गायब हो गई? अब वहाँ पे इधर आ, इधर बैठो 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 बैठो। अब थोड़े रस्म रिवाज भी पूरे कर लिए जाए। अरे घूंघट तोड़ो। ओके। क्या? ओ मैडम, ये अपना नाटक बंद करो, समझी ना? अरे कुछ भी तो नहीं वहां पे, क्या है? अभी था ना 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 ना। नीरज सुनी सुनी। हाँ। बंद करो यार, बंद करो। नीरज, बचाओ, बचाओ मुझे, नीरज,
में सब ठीक कर दूं। बचाओ, बचाओ मुझे। नेहा तुम्हें कुछ नहीं होगा। नेहा नेहा तुम चिंता मत करो। नेहा मरेगा। नेहा तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नेहा तुम्हें क्या हुआ? नेहा नेहा कोई दरवाजा खोलो। कल शादी हुई थी और आज देखो। देखिए मेरे बेटे को क्या हो गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन कर रहा है और क्यों। मुझे पता है इस सब के पीछे ना कमली काकी का हाथ है। वो दिन भर और रात भर गांव में घूमती रहती है और लोगों को धमकी देती रहती है कि वो उसे जान से मार देगी, जान से मार देगी। अभी देखा था मैंने उसे, वो उधर जाते हुए देखा था मैंने अभी उसे। मैं तो पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो सरपंच साहब को भी ना उसी ने ही मारा होगा। हमें तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए। हाँ। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। डायन ने मेरे बच्चों को मारा है, उसे खत्म भी मैं ही करूंगा। सिर्फ आप ही क्यों उससे बदला लेंगे मालिक? हम भी उससे बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। फिर देर किस बात की? चलो कमली को खत्म करते हैं। हाँ साहब, चलो।